वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इस केदारनाथ बॉय। अज असी आए हैं लुधियाने की बहुत ही फेमस अज एक एग्जीबिशन लगी है जिथे असी आए हैं और एग्जीबिशन का नाम है गमशा एक्सप्रो 2022। और असी अज तुहानू पूरी इत्थे दसांगे किस हिसाब नाल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी आई और की सब कुछ अंदर है। चलो साढ़े नाल अंदर बने रहो। फ्री करना चाहते हो तो आप इसको स्कैन करके अपने मोबाइल से ही इसका कार्ड बना सकते हो और अंदर एंटर कर सकते हो। जब आप अंदर आओगे तो जब स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आपको इस काउंटर पे आना पड़ेगा और काउंटर पे आके आपको आपके एक कार्ड मिल जाएगा और कार्ड मिलने के बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये मेरा कार्ड मुझे मिल गया हुआ है, अब मैं अंदर एंट्री करने के लिए तैयार हूँ। आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग की कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ी मशीन है और सिर्फ 20 बंदों का काम अकेली ये मशीन करती है और सिर्फ एक बटन के साथ ही ऑपरेट हो जाती है। मशीनों की इतनी नॉलेज तो है नहीं, लेने तो हम यहाँ पे देखने तो कोई मशीन ही आए थे कि चलिए यार कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं, बट यहाँ पे देख के इतनी अलग अलग मशीनें देख के मैं पजल हुए बड़े हैं। तो अभी फिलहाल तो आज का दिन विजिट किया है, कल देखते हैं किसी ना किसी और को लेके आएंगे। अगर कुछ समझ आता हुआ तो शायद कोई ना कोई मशीन परचेज कर लेंगे, नहीं आता हुआ तो ओके टाटा बाय बाय तो है ही है। तो यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के स्टाल लगे हुए, एक ये चीज़ मैंने देखी है, मतलब ये मशीन कितनी ज़्यादा विशाल मशीन जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मशीन है, जिसको देख के मैं हक्का बक्का रह गया कि ये मशीन उठा के कैसे लेके जाएंगी और कैसे एक फैक्ट्री में ये फिट होगी। डिज़ाइन के अपना वूलन के कपड़े बन सकते हैं। ये मशीन देख सकते हो अपना कैसी मशीन है, आई थिंक इसका मुझे कुछ पता नहीं है इसके पर्पस क्या है, बट फिर भी ये मशीन देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। बाकी जिसको भी ये मशीन पता होगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देगी कि ये किस चीज़ के लिए काम आती है ये मशीन। ये प्रिंटिंग की मशीन है, आप देख सकते हो कि कैसे अंदर आप खाकी कपड़ा डालोगे और अंदर से आपको प्रिंट निकला हुआ आएगा। तो यहाँ की डेकोरेशन कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, हर दो
कदम के बाद आपको यहाँ पे कूलर मिल जाएगा और यहाँ पे गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त मशीनें हैं कि मैं देख देख के ना कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि अपना ये मशीनें इतनी ज़बरदस्त इतनी बड़ी कैसे हो सकती हैं और कैसे मतलब ये वर्क करती होगी, क्या है क्या नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस में एक तरह से पड़ा हुआ हूँ मैं। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है। मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया हुआ है, उसको पूछ रहा हूँ मैं बार बार कि कैसे है क्या है जो भी है। चलो आपको अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख सकते हो वॉशिंग के लिए जैसे घर में छोटी छोटी मशीनें होती हो, ये कितनी ज़्यादा बड़ी मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है कि एक बार में पता नहीं कितने हज़ारों कपड़े इसमें डाल के आप अपना वॉशिंग कर सकते हो। ये कोई सिलेंडर टाइप कुछ मशीन है, अब समझ नहीं आ रहा ये किस पर्पज़ के लिए है। ये लिफ्ट, फिर ये भी बड़ी मशीन आ गई है, किस पर्पज़ के लिए है ये अभी भी पता नहीं। ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद आया, जो मेरे उसके अपना दुकान पे चलने लायक है, तो रेट भी इसका रीज़नेबल है और चीज़ भी देखने में तो अच्छी लग रही है। शायद आने वाले टाइम में एक आधे दिन में ये मैं एक आधी परचेज़ करके लेके जाऊं। चलो अगर आपको भी इनके मशीन की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आके आप परचेज़ कर सकते हो। कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो था सब कुछ सिर से ऊपर से निकल गया। मैं कुछ सोच के आया था, मैंने कहा चलो कोई सॉक्स की कोई मशीन होगी या कुछ बनैन बुन होगी, जो कुछ मतलब मशीन सोच के आया था कि यहाँ ये मशीन अगर मिल गई तो देख लेंगे, बट उस हिसाब से कुछ मिली नहीं है। और लास्ट टाइम जो लगी हुई थी एग्जीबिशन उस हिसाब से एग्जीबिशन 50% भी नहीं है। बट जो भी है चलो घूम के मज़ा आया, आपको दिखाया, और चलो अब आगे इस वीडियो को यहीं पर एंड कर। चलो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें और मेरे 4000 घंटे को बस आप पूरे कर दें और उसके बाद ऐसे ऐसे एडवेंचरस टूर लेके आऊँगा कि आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। मतलब कहते हैं ना मौत को छू के वापस आ गया, वो करूँगा। चलो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है लगातार, तो भी इस चैनल पर बने रहे और लगातार मेरी वीडियो देखते रहें। ओके, टाटा, बाय बाय।